ओम शांति मेरा नाम है बंटी सैनी और मैं गांव गड़ी को ठहकाकर रहने वाला हूँ मेरे को प्राथमिक ज्ञान का परिचय हमारे घर वालों से ही मिला क्योंकि मेरे दादाजी हैं जो मतलब पंद्रह बीस साल से इस ज्ञान में थे उनका पिछले मतलब 2021 में ही उनको उन्होंने शरीर छोड़ दिया वो इस ज्ञान से बहुत टाइम पहले से जुड़े हुए थे तो वो मतलब घर घर में उन्होंने मतलब ज्ञान के बारे में बताया परमात्मा के बारे में बताया <gger> तो पहले मतलब कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे मतलब रायपुरानी में सेंटर नहीं था तो पंद्रह बीस किलोमीटर आगे जाते थे वहाँ पर सेंटर पर जाते थे तो जाते रहे जाते रहे तो उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की तो कि यहाँ पे रायपुरानी में सेंटर होना चाहिए तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने मतलब यहाँ पर रायपुरानी में सेंटर अलॉट हो गया तो उसके बाद उन्होंने मतलब हमारे घर वालों को भी मतलब आस्ता आस्ता जोड़ते रहे वो मेरी माता माताजी माता जी को जोड़ा उन्होंने इस सेंटर से तो पहले मेरी माता जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो मतलब सारी सारी रात ऐसे ही का मतलब गुजारती थी बहुत परेशान थी डेली एक टैबलेट लेती थी डेली तो जैसे ही मतलब उस ज्ञान में चलने लगे तो उसके बाद वो अब बिल्कुल ठीक है मतलब कभी कभार महीने दो महीने में एक टैबलेट लेते हैं तो मतलब अब पूरी तरह से ठीक है वो तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके और भी परिवार वाले इस ज्ञान में जुड़ गए तो जब भी मतलब क्लास में उनके बारे में बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है वो बोलते हैं जैसे दीदी बोलते हैं कि कि मतलब जो सेंटर आज यहाँ पे है तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के द्वारा है तो उन्होंने मतलब यहाँ पे सेंटर लाने के लिए बहुत मेहनत की है तो बहुत खुशी होती है जी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनसे तो मेरा अनुभव यह है कि मतलब जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरा फ़ाइनल ईयर था तो फाइनल ईयर की मेरा सेकंड पेपर था तो मेरा पेपर होता था डेढ़ बजे मैं चंडीगढ़ कॉलेज में जाता था तो मेरे को यहाँ से अपने गांव के बस स्टैंड से ग्यारह बजे बस लेनी होती थी तो मैं उस दिन थोड़ा लेट हो गया उस दिन लेट थोड़ा लेट गया तो मेरी माता जी का ऐसा है कि जब वो मतलब ज्ञान में जुड़ गए थे कि जो भी मतलब बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसको बोलते थे कि बाबा के रूम में होके जाओ तो मतलब कोई भी कुछ भी मतलब बाहर जाता है कि बाबा के रूम में होके जाओ बाबा को साथ लेके जाओ तो मैं तो मतलब पहले थोड़ा लेट था तो मैं चला गया बीस पच्चीस सेकेंड वहाँ पर लग गए बाबा के मतलब याद करने में तो मैं चला गया तो वही मतलब जब मैं बस स्टैंड पहुँचने वाला था मतलब मान लो तीन सौ मीटर की दूरी से मैंने देखा कि बस चली गई वही बीस पच्चीस सेकेंड के मार्जिन से ही बस छूट गई मेरी तो मैंने बाबा को याद किया मैंने कहा कि आपकी वजह से मेरी बस छूट गई तो मैं परेशान हो गया थोड़ा तो मैं खड़ा रहा खड़ा रहा वहाँ डेढ़ बजे पेपर था मेरा उसके बाद मतलब एग्ज़ाम के भी कुछ रूल रेगुलेशन है कि मतलब उसके बाद एंट्री नहीं होती एग्ज़ाम में तो मैं खड़ा रहा वहीं पे बारह बजे तक तो कोई बस नहीं आई तो बारह बजे एक प्राइवेट बस आई तो उसके बाद मेरे को वहाँ से वो पंचगूला ले गई तो रास्ते में स्टॉपेज बहुत थे टाइम लग गया बहुत ज़्यादा तो एक बज गया वहीं पर तो उसके बाद मेरे को दूसरी बस लेनी थी चंडीगढ़ के लिए तो मैं वहीं पे खड़ा रहा मैंने सोचा कि याद तो पेपर गया क्योंकि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर सब ले आ गई तो एक साल ख़राब तो मैंने कहा कि बाबा जी आपने तो ये गलत हो गया तो मैं खड़ा रहा वहाँ पे तो एक बज के दस मिनट में बस आई तो मेरे को लग रहा था कि पेपर तो गया अब तो बस में बैठ गया मैं तो बस भी वैसे ही मतलब जिस बस से मैं वैसे डेली आता था वो बस नहीं थी वो दूसरी थी सीटियों होगी तो वो लॉन्ग रूट से होकर जाती थी तो मेरे हिसाब से वो उसको बीस पच्चीस मिनट लगाने थे पेपर मतलब गया तो मैं जैसे ही मतलब बस चली वहाँ से मैं सिर नीचे करके बैठ गया सो गया तो कुछ टाइम बाद मेरे को एक लड़के ने उठाया मेरे पास से मैं कह रहा भाई तेरे को कॉलेज जाना है क्या मैं कहा हाँ जाना है तो कॉलेज के पास में मैं क्या बात है यार मैंने कहा कोल जाया था आ, आ गया कहा मैंने कहा नहीं तो मैंने देखा कि साइड में कॉलेज मैं कहा ऐसे कैसे क्योंकि वो बस मतलब उसका रूट कुछ और था पर वो आज कॉलेज के पास से निकले गई तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ मैंने नीचे उतर के मतलब उस टाइम दो तीन मिनट का टाइम था तो मेरे को मतलब बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं पहुंच कैसे गया मेरे मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि पेपर हो जाएगा तो मैंने नीचे उतर के बाबा का थैंक्स किया और एग्ज़ाम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मैं दस पंद्रह मिनट तक सोचता तो रहा कि हो कैसे गया ये तो बाबा का आज आज भी बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मेरा एक साल ख़राब होने से बचा दिया तो मैं अपने यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो बाहरी आकर्षण को छोड़ के विकारों को छोड़ के मतलब परमात्मा को खोजने खोजें और वो मतलब सेंटर पे आके सेवन डे कोर्स जरूर करें ओम शांति